आज की डेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पास पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट तो है लेकिन गूगल पे फोन पे चलाने के लिए एटीएम कार्ड नहीं। और उनकी सोच भी यही है कि अगर एटीएम कार्ड हमारे पास होगा तभी हम गूगल पे फोन पे चला पाएंगे। लेकिन यार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गूगल पे फोन पे चलाने के लिए ना अब आपको एटीएम कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं रहती है। एटीएम कार्ड वाला काम ना अब आप अपने आधार कार्ड से ही कर सकते हैं। गूगल पे फोन पे चलाने के लिए ना अब आप अपने आधार कार्ड से ही सारा काम कर सकते हैं, यानी अपने आधार कार्ड से ही अपना पिन क्रिएट कर सकते हैं और आधार कार्ड से ही अपना पिन चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ना आपको बिल्कुल ए टू जेड प्रोसेस बताऊंगा और बहुत बारीकी से बताऊंगा किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड की मदद से ही गूगल पे फोन पे जैसी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट लिंक करके ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, जितनी भी सर्विसेज गूगल पे फोन पे के अंदर मिलती हैं उन सबको आप यूज कर सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आप पिन भी भूल जाते हैं उसको भी रिसेट कर पाएंगे और पिन चेंज भी कर पाएंगे। सारा कुछ होता है, बस आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं होती है। आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए तभी आप ये काम कर सकते हैं। अब देखो, आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेटअप करने के लिए, फोन पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोन पे ऐप को डाउनलोड करना है। इसका डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा ही गूगल प्ले स्टोर से फोन पे को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अब आप इसको ओपन करेंगे, एंटर यूर मोबाइल नंबर। अब आप यहां पर अपना वो मोबाइल नंबर लगाएंगे जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। अपना मोबाइल नंबर लगाने के बाद अब प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक 5 डिजिट का ओटीपी आएगा जो कि यहां पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अब आपसे लोकेशन की परमिशन मांगी जा रही तो ऊपर से अलाउ कर देना है, देन फ़ोन नंबरों की परमिशन मांगी जा रही तो अलाउ कर देना है। एक दो परमिशन और मांगी जाएंगी उनको भी आपको अलाउ करना है, जैसे कि कॉन्टैक्ट की परमिशन, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन की परमिशन, तो ये भी आप अलाउ कर देंगे। अलाउ कर देने के बाद आप देख सकते हो कि आपका फ़ोन पे अकाउंट बन गया एक ही क्लिक में। अब आपको ज़रूरत है इसके अंदर बैंक अकाउंट को लिंक करने की। बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए ना आपको यहाँ पर ऊपर लोगो मिलता है जहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ना यहाँ पर आप नीचे देखेंगे बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एड न्यू बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ही आपको ऊपर पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका SBI बैंक अकाउंट है या इसके अलावा कोई और बैंक अकाउंट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा क्रिएट UPI पिन का। जिस तरीके से हमें रीसेट पिन का ऑप्शन दिखा रहा इसी तरीके से आपके सामने क्रिएट पिन का ऑप्शन आएगा। हमारे पास रीसेट का इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अपना UPI पिन पहले से ही सेटअप करके रखा है। हम रीसेट करेंगे और रीसेट करने का और क्रिएट करने का सेम प्रोसेस होता है। बस आप रीसेट करने का मान लीजिए और क्रिएट करने का मान लीजिए, एक ही प्रोसेस है। तो यहाँ पर रिसेट पिन पे क्लिक करेंगे। रिसेट पिन पे जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हो आधार कार्ड नंबर लिंकड विद बैंक, यानी अब आप ना अपने आधार कार्ड की मदद से ही अपना UPI पिन सेटअप कर सकते हैं। तो आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, उसके बाद नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब आपको ना अपने आधार कार्ड के शुरू के 6 डिजिट लगाने हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। आधार कार्ड के शुरू के 6 डिजिट लगाने के बाद अब यहाँ पर कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो आप उससे ना SMS की परमिशन मांगी जाती है। SMS की परमिशन आपको यहाँ पर देनी है क्योंकि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर यही लिंक होना चाहिए। इस पर एक OTP आता है जो कि आधार कार्ड का OTP होता है, तो यहाँ पर आप इसको परमिशन कर देंगे। परमिशन करने के बाद ये वेरीफाइंग कर रहा तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। आधार कार्ड का OTP आ चुका है जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो चुका है, उसके बाद आपको राइट करना है इंटर द 6 डिजिट बैंक OTP। बैंक का भी OTP आपके इसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। आपके सामने सारा कुछ हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से राइट कर देंगे। राइट करने के बाद आपके सामने आ जाएगा सेट 6 डिजिट UPI पिन। ये UPI पिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आप नए फर्स्ट टाइम इसके अंदर विजिट कर रहे हो और फर्स्ट टाइम अपना UPI पिन क्रिएट कर रहे हो। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करोगे तो आपसे यही UPI पिन पूछा जाता है। जब आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करोगे फोन पे के द्वारा तो आपसे यही UPI पिन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आप अपना UPI पिन ऐसा बना लीजिए जिसको आप अच्छे से याद रख सकें। तो हम यहाँ पर अपना UPI पिन बना लेते हैं।
एक बार यूपीआई पिन लगाने के बाद यहाँ से राइट करेंगे, उसके बाद कन्फर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन मांगेगा, यानी इसी यूपीआई पिन को दोबारा से कन्फर्म कर देंगे। यूपीआई पिन कन्फर्म करने के बाद राइट कर देंगे। राइट करने के बाद यहाँ पर सफलतापूर्वक आपका यूपीआई पिन यहाँ पर सेट हो जाएगा। यूपीआई पिन सेट हो जाने के बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, सेंड वन टू ए फ्रेंड, यानी आपको ना अपने फ्रेंड के पास, आपका फ्रेंड जिसका फ़ोन पे अकाउंट पहले से बना हो, उसके मोबाइल नंबर पे 1 रुपये की ट्रांजेक्शन करनी है। इस तरीके से उसका मोबाइल नंबर लगाना है और यहाँ पर 1 रुपया लगा लेंगे। 1 रुपया लगाने के बाद पे वाले पे क्लिक कर देंगे। पे वाले पे क्लिक करने के बाद अब आप अपना यूपीआई पिन लगा लेंगे, ठीक है, जो आपने यूपीआई पिन बनाया था ना वो यूपीआई पिन लगाएंगे और राइट कर देंगे। राइट करने के बाद आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी और आपका बैंक अकाउंट भी यहाँ पर लिंक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल रही तो यहाँ से आप बैंक कर देंगे और आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक भी हो चुका है। अब आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। बैंक बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है चेक बैंक बैलेंस, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट मिल जाएगा। अपना यूपीआई पिन लगाएंगे और यहाँ से राइट कर देंगे। राइट करने के बाद यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप किसी को पैसा डालना चाहते हैं तो 2 मोबाइल नंबर पे जाएंगे, अगर स्कैनर है किसी का तो यहाँ पर स्कैन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको परमिशन देंगे और स्कैन करके पैसा डाल देंगे, ठीक है। इसी तरीके से मोबाइल रिचार्ज, लोन पेमेंट, तो ये सब काम कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री चेक करनी है तो यहाँ पर हिस्ट्री में आ जाओ, तो यहाँ से आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कितना पैसा कब आया कब गया, सारी हिस्ट्री यहाँ पर आपको मिल जाएगी सालों साल की, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड की मदद से ही गूगल पे फ़ोन पे बना सकते हैं। यानी हमने फ़ोन पे अकाउंट बनाने का तरीका बताया, गूगल पे का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, गूगल पे को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। और गूगल पे के अंदर सिर्फ आपको अपना अकाउंट बनाना है मोबाइल नंबर लगा के, बैंक अकाउंट लिंक करना है, वहाँ पर आपको यूपीआई पिन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर जो यूपीआई पिन क्रिएट किया है ना फोन पे के द्वारा, वही यूपीआई पिन आपका वहाँ पर भी काम करेगा। पेटीएम चलाओगे पेटीएम के अंदर भी काम करेगा, हर यूपीआई ऐप के अंदर वही काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत।